नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में सत्र जो 2024-25 के जो कक्षा 11वीं के हमें प्रवेश सूची तैयार करनी है, वो प्रवेश सूची हम कैसे तैयार करेंगे, इसमें हमें क्या दस्तावेज लगेंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में सत्र 2024-25 के जो परीक्षा फॉर्म और नामांकन फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसी में दोस्तों कक्षा 11वीं की जो प्रवेश सूची हमें तैयार करनी है नए तरीके से। तो आप अपनी कक्षा 11वीं की प्रवेश सूची तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के ऑफिशियल पोर्टल पर आना है। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, एग्जामिनेशन एनरोलमेंट फॉर्म वाली जो लिंक दिख रही है इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ समय लेगा और कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड खुलकर सामने आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, चौथे नंबर पर जो 11th एनरोलमेंट, 10th पास्ड और 11th फेल बच्चों की जो प्रवेश सूची बनानी है, तो यहाँ पर आपको 11th एनरोलमेंट, 10th पास, 11th फेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके जो आवेदन 10 जुलाई से दोस्तों 30 सितंबर तक होंगे। तो यहाँ पर जैसे ये वाली लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको कक्षा 10वीं परीक्षा नामांकन फॉर्म 24-25 की कक्षा 11वीं सी सीरीज यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो ज़िले का चयन कर लेना, जिस भी ज़िले के आप निवासी, यानी कि जिस स्कूल ज़िले के स्कूल में आप, यानी कि आपकी नामांकन सूची यानी कि कक्षा 11वीं की प्रवेश सूची तैयार करनी, उस ज़िले का चयन कर लेना। उसके बाद में उसका ब्लॉक का चयन कर लेना, जिस ब्लॉक के स्कूल का आप अपनी जो परीक्षा सूची है यानी कि कक्षा 11वीं की जो प्रवेश सूची तैयार करना है। उसके बाद में यहाँ पर स्कूल का नाम खुलकर आएगा, तो जिस भी स्कूल का है उस स्कूल को चयन कर ले। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर तीन ऑप्शन खुलकर सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर 10th पास, ये आपका जो कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड से यदि आपने उत्तीर्ण की है और 11वीं की प्रवेश सूची तैयार करना चाहते हैं तो आपको 10th पास वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और कक्षा 10वीं यदि अदर बोर्ड से उत्तीर्ण है तो यहाँ पर आपका नया नामांकन जारी किया जाएगा सी सीरीज वाला, तो उसके लिए आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और रेगुलर 10th पास 2023 में या सी 2023 की सीरीज के नामांकन आपके पास है तो तीसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो अभी हम 10th पास वाले को सिलेक्ट कर दोस्तों इसका जो प्रवेश सूची वो तैयार करेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम आपको अगले वीडियो में जानकारी देंगे कि आप अपना जो अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण छात्र कक्षा 11वीं के नामांकन फॉर्म कैसे फिल करोगे, तो वो वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। तो हम यहाँ पर 10th पास को सिलेक्ट करते, उसके बाद में यहाँ पर जो भी आपकी कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के जो पिन नंबर है स्कूल के, वो पिन नंबर देना है, कैप्चा कोड देकर सिंपल से सबमिट पर क्लिक करना। जैसे आप जानकारी देकर सबमिट पर क्लिक करोगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको आपकी प्रवेश सूची के संबंध में सबसे पहले स्कूल की डिटेल खुलकर आएगी, जिसमें सबसे पहले स्कूल का नाम रहेगा, उसके बाद में जिला रहेगा, ब्लॉक रहेगा, उसके बाद में प्रिंसिपल का नाम रहेगा, यहाँ पर एप्लीकेंट टाइप रेगुलर सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद में आपको जो है दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपकी कक्षा 10वीं जो भी रोल नंबर है कक्षा 10वीं की मार्कशीट पर, जब आपने कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की 2024 में, तो वो वाली जो रोल नंबर देना है उत्तीर्ण वर्ष 2024 को सिलेक्ट करना है और सिंपल से आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप अपना रोल नंबर और पासिंग ईयर देकर सबमिट पर क्लिक करोगे दोस्तों आपकी कक्षा 10वीं की मार्कशीट में जो भी आपका डाटा था यानी कि 10वीं का परीक्षा फॉर्म फिल करते समय जो डाटा दिया था वही डाटा यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, जिसमें स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, इधर फोटो और सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी आपकी कक्षा 10वीं की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर ऑटो फिल होकर आ जाएगा। उसके बाद में यदि विकलांग है तो विकलांगता को चयन करें, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करना। उसके बाद में आपकी जो भी कैटेगरी का चयन कर ले। उसके बाद में आप जिस भी मीडियम में अध्ययनरत यानी कि आपकी स्कूल जिस मीडियम में संचालित है मीडियम का चयन करना है। उसके बाद में जेंडर, मेल फीमेल, जो भी छात्र है तो मेल और छात्रा है तो फीमेल का चयन कर ले। उसके बाद में एमपी डोमिसाइल यस ऑटोमेटिक रहेगा। उसके बाद में दोस्तों सेक्शन, तो यहाँ पर आप ए बी सी जिस भी सेक्शन जो भी सेक्शन का चयन करना चाहते हो उस सेक्शन का चयन कर ले। उसके बाद में स्क्रॉल कर नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर स्कूल डिटेल, सब्जेक्ट डिटेल खुलकर आएगी, तो यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट डिटेल फिल करनी है तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले ग्रुप सब्जेक्ट का चयन करना है। तो आप कौन से ग्रुप सब्जेक्ट में 11th में अध्ययनरत है वो सब्जेक्ट का चयन कर ले, या फिर आपका जो भी डेमो फॉर्म भरा है उसमें जो भी ग्रुप सब्जेक्ट है उसका आपको चयन कर लेना। जैसे आर्ट है तो ह्यूमैनिटी, साइंस मैथ्स है तो साइंस मैथ्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट, होम साइंस, साइंस बायोलॉजी, लैंग्वेज, जो भी ग्रुप में आप कक्षा 11वीं का फॉर्म फिल करना चाहते हैं यानी कि जिस भी ग्रुप में आप अध्ययनरत है उस ग्रुप को आपको चयन करना है।
साथ ही दोस्तों आप जिस ग्रुप का चयन कक्षा 11वीं में चयन करोगे उसी ग्रुप का फॉर्म आपको कक्षा 12वीं में फिल होगा, आप कक्षा 12वीं में दूसरा ग्रुप चेंज नहीं कर पाओगे। इसलिए आप सावधानी पूर्वक जो भी आपका ग्रुप है उसका चयन कर ले, जो भी आपको कक्षा 11वीं और 12वीं पढ़ना है वो ग्रुप चयन कर ले। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज ऑटोमेटिक फिल होकर आएगी, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ग्रुप ए यानी कि ग्रुप सब्जेक्ट का चयन करना है तो आपके स्कूल में जो भी ग्रुप संचालित है जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको चयन कर लेना है। तो यहाँ पर ग्रुप सब्जेक्ट में चार दिए गए तो इनमें से जो भी आपका ग्रुप सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट चयन कर ले। उसके बाद में यदि आप एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहते तो इनका चयन करें, अन्यथा इसको छोड़ दें। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, घोषणा पत्र पर क्लिक करना और सिंपल से सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। जैसे आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपकी कक्षा 11वीं की जो प्रवेश सूची में इस तरीके से आपका बच्चे का जो है एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, यानी कि आपकी कक्षा 11वीं की जो प्रवेश सूची में उसमें बच्चे का नाम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, ये एप्लीकेशन नंबर आप किसी कागज़ पर नोट कर लिया फिर आपने जो डेमो फॉर्म फिल किया था उस पर नोट कर ले, ताकि दोस्तों आपको यदि कोई दिक्कत आती है तो एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से आप जो इसका समाधान कर सकते हो। उसके बाद में एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम दिखेगा और यहाँ पर दोस्तों आपको शुल्क दिखेगी। तो यदि आप कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड से उत्तीर्ण और कक्षा 11वीं की प्रवेश सूची यानी कि 11वीं में एडमिशन लिया एमपी बोर्ड में लिया तो यहाँ पर आपको जो शुल्क है दोस्तों मात्र 25 रुपये लगेगी, और अदर बोर्ड का करेंगे तो उसमें जो दोस्तों इसकी शुल्क आपको एक्स्ट्रा जो भी इनरोलमेंट शुल्क और ग्राहिता शुल्क है वो आपको भरनी रहेगी, जो कि हम आपको अगले वीडियो में जानकारी देंगे। जब हम अदर बोर्ड का आवेदन करेंगे तब हम आपको जानकारी देंगे कि आप जो है दोस्तों कितनी शुल्क लगनी रहेगी। उसके बाद में यहाँ से इसको क्लोज कर दे। उसके बाद में सेकंड बच्चे का जो भी रोल नंबर और पासिंग ईयर देकर इस तरीके से आप एक एक कर अपने बच्चों के सभी बच्चों के जो दोस्तों जो प्रवेश सूची है उस प्रवेश सूची में नाम जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में 17-24-25 की जो कक्षा 11वीं की प्रवेश सूची तैयार करनी है वो प्रवेश सूची आप इस तरीके से ऑनलाइन तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।